मैं 150 तक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो जिसने वो क्वेश्चन नहीं देखे वो जाकर देख ले। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। 51 वाले क्वेश्चन, 151 वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ़ अ गैस इफ वी चेंज द गैस फ्रॉम लाइटर गैस लाइक हीलियम टू हैवियर गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट फॉर एन आइडियल गैस। यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर होता है, और आर की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। वो कितनी? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो उसने लाइटर गैस को हैवियर गैस से फिक्स कर रिप्लेस किया, तो आर की वैल्यू रिमेन चेंज रहेगी। आर की वैल्यू चेंज नहीं होती गैस चेंज करने से। वन फिफ्टी टू वाले एमसीक्यूज़ हैं। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडुलेटेड कैरियर वेव इज़ हाईएस्ट व्हेन द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज़ एट इट्स। तो आपने अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर ये हमारे पास एक कैरियर वेव है, ये हमारे पास अगर कैरियर वेव है, इसको अगर हम एक ऑडियो सिग्नल से ऐसे मॉड्यूलेट करें, तो जो रिजल्टिंग होगा इसका, उसकी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। जो नेगेटिव पीक वाली वैल्यूज़ होंगी उस पे फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जो पॉजिटिव पीक वाली होंगी उन पे, ये आप देख सकते हैं कि उनमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब इसी तरह ये नेगेटिव पीक फिर से स्टार्ट होगी, फ्रीक्वेंसी कम, पॉजिटिव पीक फिर से स्टार्ट हो गई, तो ये फ्रीक्वेंसी फिर से बढ़ने लगी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ़ वेव्स। यहाँ नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा ज़्यादा हैं इस रीजन में, और इस रीजन में नेगेटिव पीक में नंबर ऑफ़ वेव्स कम है, फ्रीक्वेंसी कम है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर हमारे पास आ गया मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। उसने पूछा था व्हेन द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज़ एट इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। जब मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इसके मुकाबले में अगर हम नेगेटिव को देखें, नेगेटिव पीक को देखें, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम थी। तो उसने फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडुलेटेड वेव कैरियर इज़ हाईएस्ट, हाईएस्ट का पूछा था, तो आंसर हमारे पास बीटा आ गया। 153 वाले एमसीक्यू में पूछ रहा है कि फार रूट मीन स्केयर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो उसने IRMS की वैल्यू पूछ ली है, फार्मूला पूछ लिया, तो हमें पता है कि IRMS किसके इक्वल होता है। IRMS आई नाट ओवर अंडर रूट टू। वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है, वो आपसे आई नाट की वैल्यू पूछ सकता है, या उसने IRMS की पूछी। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1.0707 आई नाट, ये इसकी वैल्यू होती है। वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है, आई नाट ओवर अंडर रूट टू होता है 1.41, तो ये वैल्यू भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? बीटा। 154 वाला एमसीक्यूज है। एन एसी सोर्स हैज़ मैक्सिमम करंट ऑफ 3 एम्पीयर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग हाफ ऑफ इट्स टाइम पीरियड ऑफ साइकिल। ये देखें, ये अल्टरनेटिंग करंट उसने बताया कि पीक वैल्यू यहाँ पे 3 एम्पियर है। तो उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। ये टोटल टाइम पीरियड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टाइम पीरियड, तो हाफ टाइम पीरियड यहाँ पे हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 एम्पियर करंट है, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है। तो आंसर हमारे पास आ गया 0। 155 वाला एमसीक्यूज़ में पूछ रहा है कि इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कंडीशंस। तो हमने कंडीशन पढ़ी हुई है कि मोनोक्रोमेटिक, एक तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, और दोनों कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब दोनों का फेज चेंज सेम रहे। जब स्लिट्स में से पास करें, दोनों
दोनों का फेज चेंज स्लिट में से पास करने से पहले सेम हो। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, अल्फा में वो कह रहा है कि द इंटरफेरिंग बीम मस्ट नॉट बी, ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया हमारे पास। दूसरे ऑप्शन में वो कह, बीटा में वो कह रहा है कि द इंटरफेरिंग बीम मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन वो कह रहा है कि द इंटरफेयरिंग बीम्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक एंड कोलीमेटेड। कोलीमेटेड हम YDSA में आपने पढ़ा होगा कि कोलीमेटेड का कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन हमें देख के ही पता चल गया, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। चौथे ऑप्शन में वो कह रहा है द इंटरफेयरिंग बीम मस्ट नॉट बी, ये तो ऑप्शन देख के ही गलत कर देंगे हम। 156 MCQs है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये देखें कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। ये MCQs डालता क्यों है, ये वाले MCQs हर पेपर MDCAT 2019 और इस पेपर में भी उसने ये MCQs डाला, तो ये MCQs डालता क्यों वो मैं आपको बताऊंगा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो आप याद रखें कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन, या मैग्नेटिक फील्ड, इन सब के यूनिट सेम हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट वेबर है। मैग्नेटिक फ्लक्स उसका यूनिट अलहदा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट अलहदा है। ये तीनों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों के यूनिट सेम है। वो क्या है, वो यूनिट है इनका टेस्ला, और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है, यूनिट है वेबर। तो टेस्ला होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला को अगर सिंपलीफाई करें तो 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी हमारे पास आंसर आता है। तो इसका आंसर डेल्टा होगा, क्योंकि उसने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का पूछा हुआ था। तो मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों के यूनिट टेस्ला हैं। सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर है।